डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज़ #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। सर, आज मैं जैसा कि मदार गेट दुकान की तरफ आया तो मैंने देखा कि ये ऊपर से ऑयल टपक रहा है, तो मैंने टाटा पावर से टपक रहा था, ये इसमें डीपी में से, ये पहले जिसमें आग लगी थी, पहले जिसमें आग लग चुकी है, मैंने देखा आज ये टपक रहा है, तो मैंने टाटा पावर उसको फ़ोन करके बुलाया, तो इनको 7-8 मिनट के अंदर अंदर इनकी सर्विस अच्छी लगी। फ़ोन करते के साथ ही आ गए, तो मैंने इनको बताया कि साहब ये इससे पहले आग लग चुकी है और इसके अंदर अभी भी देखो तेल टपकने लग गया। तो इन्होंने जो अपने अधिकारी को जो तुरंत प्रभाव से मेरे सामने इन्होंने फ़ोन करके जानकारी के लिए अवगत कराया है। क्या मानते हो टाटा पावर की कार्रवाई अच्छी चल रही है? नहीं साहब, सर्विस तो अच्छी है कि मैंने जैसे ही फ़ोन करा तो 8-8 मिनट के अंदर ये प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कोई जानहानि हो सकती थी? जनहानि तो साहब पहले तो हो चुकी है और अभी तो आप देखो, आप पूरी अभी तो दुकानें बंद पड़ी हैं। किस जगह की है ये? मदार गेट कस्तूरबा हॉस्पिटल के बाहर फूलमाला की दुकान है। आपका शुभ नाम? ललित कुमार। देखिए, टाटा पावर की जो सर्विस चल रही है, वास्तव में सर्विस तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हम लोग जब भी, और आंधी तूफान की जैसे आप बता रहे हैं, तो आंधी तूफान तो कभी भी किसी भी वक्त भी आ सकता है, तो ये तो उनके हाथ में नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग फ़ोन करते, कोई भी पब्लिक, आम पब्लिक भी फ़ोन करती है, तो टाटा की सर्विस तुरंत प्रभाव से वो लोग आते हैं। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आप बता रहे हैं कि आंधी जो तूफान चला था, तो वास्तव में जो चला था बहुत भयानक रूप से चला था, और रात के 2-1 बजे जो हुआ था आंधी, और ट्रांसफार्मर भी उड़ गए थे कई जगह से, तो वहाँ वो लोग भी आए और उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी सर्विस दी और थोड़ी देर में लाइट आ गई। आखिर वो भी इंसान है, वो भी किसी के परिवार से जो नौकरियां कर रहे हैं, मजदूर आदमी है या अधिकारी हैं, तो उनके लिए भी हमको थोड़ा सा अगर बाई चांस लेट भी होता है तो ये भी हमें सब्र करना पड़ेगा कि वो भी एक इंसान के नाते अपनी सर्विस बराबर दे रहे हैं। तो टाटा की सर्विस जो है बराबर बढ़िया चल रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। मैडम, और क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, टाटा के लिए तो क्या कहना चाह रहे हैं कि टाटा सर्विस जो है बिजली डिपार्टमेंट का जो एक महत्वपूर्ण भाग है, इसमें पानी और बिजली जिसके बगैर जनता नहीं रह सकती है, उस चीज़ में अगर सर्विस अच्छी आती है तो ये बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। उसके अलावा एक ये मैं कहना चाहूँगी कि आज गरीब जनता जिस तरह आज कोरोना बीमारी से पीड़ित लोग बाग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसमें जो लाइटों का, जो लाइटें का बिल आ रहे हैं, अगर ये बिल माफ़ कर दिए जाए तो मैं कह रही हूँ टाटा का जो तारीफ़ हो रही है उससे ज़्यादा तारीफ़ होगी, क्योंकि आम जनता जब कमा नहीं रही है, गरीब झोपड़पट्टी वाले लोग जो कमा नहीं रहे हैं, मध्यम वर्गीय जो वास्तव में आज घर बैठा हुआ है, वो बिल अगर बढ़ते जाएंगे तो उनकी आधी टेंशन तो बीमारी के साथ साथ एक ये बिल की भी होती रहेगी कि हमारा बिल जमा नहीं हो पा रहा है, हम इसे कैसे देंगे, जब कमाएगा नहीं तो देगा कैसे। तो वो बिल भी अगर माफ़ कर दें तो ज़्यादा अच्छा, जैसे और भी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि और भी वहाँ पर जगह पर करा जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बिजली डिपार्टमेंट से अपील करती हूँ, जनता की तरफ से करती हूँ कि आप लोग इस बिल को माफ़ करें, ताकि इसमें लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके, और जो कमा नहीं रहे तो उनको एक टेंशन ये ख़त्म हो जाए कि हमको बिल नहीं भरने पड़ रहे हैं। भारतीय श्रीवास्तव, भाजपा शहर जिला मंत्री। टाटा पावर की अभी सर्विस तो ठीक चल रही है, लॉकडाउन में सर्विस तो इनकी बेहतर है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा लोगों को जो चिंता है वो बिजली के बिलों को लेकर के है। राज्य सरकार ने एक तरफ 2 या 3 बार घोषणा करी थी कि भाई ये बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी टाटा पावर की तरफ से बिल लगातार भेजे जा रहे हैं और वो गलत है। कम से कम इनको राज्य सरकार की तरफ से या टाटा पावर की तरफ से स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि भाई बिल माफ़ हो चुके हैं। कह तो ये रहे हैं जोधपुर वगैरह दूसरी जगह में बिल नहीं लिए जा रहे हैं, अभी हमारे अजमेर में ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, तो लोगों, आम लोगों को, गरीब लोगों को और जो बीच के मध्यम परिवार हैं, सारे ही ये सिर्फ बिल को लेकर अभी टेंशन में है कि भाई ये बिल अब इकट्ठा आएगा तो वो लोग कैसे पेमेंट करेंगे। या तो सरकार इस पर बिलों को बिल्कुल माफ़ करे ताकि गरीबों को बिल्कुल राहत प्रदान हो, और मध्यम वर्ग भी है इसमें जिनको कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिली है, तो बिजली के बिलों को लेकर के जो परेशानी आ रही है उस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई ये बिल माफ़ होने चाहिए। ज़्यादातर बिल माफ़ हो जाएंगे तो लोगों को राहत पहुंच जाएगी, और सरकार द्वारा ये घोषणा करी जा चुकी है पहले भी कि हमने बिल माफ़ कर दिए हैं, लेकिन टाटा पावर की तरफ से भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, बिलों को लेकर के ये बिल भेज रहे हैं, तो इनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई बिल माफ़ कर दिए गए हैं, या इनको वो कैसे लेंगे, अगर लें तो वो इनको किस्तों के रूप में ले लें ताकि लोगों को भार नहीं पड़े, और अगर इस तरह से भार पड़ेगा तो लोगों को पेनल्टी वगैरह की सब की चिंता सता रही है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्थिति टाटा पावर को स्पष्ट करनी चाहिए बिलों को लेकर के। टाटा पावर बिल या हाफ कर माफ़ करते हैं या आधी करते हैं तो फिर सर्विस कैसी रहेगी इनकी? तो ठीक रहेगा, लोगों को भी राहत होगी, और वो आधे बिल भी वो अगर वो किस्तों में ले लें उनसे, लोगों से बिना पेनल्टी के, तो लोगों के लिए अच्छी सुविधा रहेगी, वरना लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से ये बिल की करेंगे तो फिर कैसे होगा, लोग नहीं कर पाएंगे मैनेज इसको, इसलिए ये बिल माफ़ होने ही चाहिए। सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई बिल माफ़ हो। ये आपका नाम? राजेश श्रीवास्तव, समाजसेवी।